अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसा कि टाइम हो गया है अभी 7:15, मेरे ख्याल से यही होगा आपका। तो व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं, एक इंडियन भाई हैं राजस्थान से, उनके घर खाना खाने के लिए। तो राजस्थान की एक बड़ी बड़ी मशहूर, बड़ी नाम तो सुना होगा, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, दाल बाटी। तो काफ़ी दिन से ये तस्करा हो रहा था कि दाल बाटी कौन खिला रहा है, कौन खिला रहा है। तो आज वो भाई की कॉल आई है कि भाई आज जो है ना दाल बाटी का प्रोग्राम जो है ना सीन ऑन है, तो सारे जो ना आप आ जाएं। तो इंशाल्लाह आपको, अगर हम टाइम से चलेंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे कि दाल बाटी तैयार कैसे की जाती है, कैसे वो बनाते हैं। और अगर लेट हो गए तो आपको वो सारा मेन्यू दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह कि बाटी क्या होती है। दाल तो सिंपल, जैसे हमारी पंजाब में या वो दाल बनती है वैसी दाल होती है, एक दो तीन दालें मिक्स करके वो दाल बनाते हैं। तो अभी हम रेडी शेडी तो हो गए हैं, बस थोड़ा सा काम है, ये क्लोजिंग करवा के फिर हम जा रहे हैं उधर इंशाल्लाह। तो बाकी मुलाकात होगी उधर। तो हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामर अख्तर भाई खड़े हैं, वो उस्मानी जी खड़े हैं। अही अही नाम ही तैयार हो ये तैयार लगने यार, मेरा ना इन्हें पेंट पाने दे बड़ा दिल पा करता एल लो। आयो आयो भी, हम आ रहे हैं, गेट खुल गया। आसमानी जी, ये आसमानी जी, आसमानी जी मेरे व्यूअर्स को सलाम कर दो यार, तरला पाओगे ना चैनल सब्सक्राइब इंशाल्लाह। बोलोगे सब्सक्राइब कर दो चैनल भाई का। अच्छा सब्सक्राइब कर दो भाई, सब सब्सक्राइब सब सब्सक्राइब कर दो सब जने, मेहरबान। व्यूअर्स, आज दाल बाटी का सीन ऑन है। सोफे शोफे बाहर भी है, अरे बड़े भैया साफ सुथरे ने अपार्टमेंट, ये ना अपार्टमेंट है व्यूअर्स, हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा मैं व्लॉग की वीडियो बना रहा है, तो मैं जेब जा पाया, मैंने मोबाइल कितने जिम गए मैं लग रहा संजय जी आसमाना तो नहीं पेंटते। संजय जी ग्रीटिंग सर, हाउ आर यू? फाइन। मैं व्लॉग बना रहा हूँ साहब। क्या बना रहे हो? व्लॉग। व्लॉग? अच्छा व्लॉग यूट्यूब का। अच्छा अच्छा यार, मेरे सब बोल दें कि भाई का ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, बोल दें एक दफा भाई का, साकेत भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें। कितनी बार बोलेंगे हम? दो बार तो अभी हो जाएगा। ये दाल बाटी दिखा दो भाई व्यूअर्स को, बोल रहे थे हमने देख ली, ये बाटियां बनी हुई है, ये देसी घी वाली है, देसी घी वाली, वो वाली जो लास्ट बनाई, लास्ट बनाई, वाह वाह क्या वाह है ना। ये जैसे ये बाटी है, इसको ऐसे अपन फोड़ेंगे, ये रेडी हो गई है, ये रेडी हो गई है, अब इसको घी के अंदर डिप करेंगे देसी घी में। अच्छा 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 अच्छा, तो ये जितना घी इसको लेना होगा ले लीजिए, मतलब उसके बाद हम इसमें, हाँ इसमें ऐसे करेंगे और इसमें इसको निकाल लेंगे। क्या बात, तो वो दाल रेडी हो गई है, ये जी दाल की सब्जी है, क्या बात, वाह वाह।
और क्या और क्या ये तो पानी है छाछ है सही छाछ व्यूअर्स लस्सी को छाछ बोलते हैं इंडिया में। लस्सी हमारा अलग होती है इंडिया वाले। ये चाय थोड़ी डिफरेंट मसाला वगैरह ये बाटी के साथ में वो नमकीन छाछ पी जाती है। हाँ 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 तो सही सही। बाकी लस्सी भी होती है मीठी लस्सी। छाछ तो वो ही ना जिसमें वो मसाला डाल मसाला के जीरा डाल के कुछ ऐसा डाल के वो पी जाती है। पुदीना डालते हैं। हाँ 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 क्या बात है संजय जी माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है आपका। ये स्टूडियो नहीं एक बेडरूम मास्टर बेडरूम वो है। सही 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 चले मैंने कहा गरम गरम खाएंगे तो असल टेस्ट आएगा। हाँ सही है मैंने कहा थोड़ा लेट ही बनाना चालू किया। ये संजय जी बाटियां तैयार कर रहे हैं देसी घी वाली बाटियां हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है सोमानी जी को मतलब। ये हाँ जी सोमानी ये बाकी सारा क्रेडिट जो है ना सोमानी जी को जाता है इंशाल्लाह बहुत जल्द कमिंग सून हम सोमानी जी भी ना कुछ खिलाने वाले हैं ना कमिंग सून। दाल बाटी तो हो गई तो आप कुछ और खिलाएंगे ना। नहीं दाल बाटी खिलाएंगे। नहीं भाई दाल बाटी तो और हो गई मलाई प्याज की सब्जी हो जाएगी वो सही है मलाई प्याज और दही भला बन जाएगा दही भला। ओहो हो क्या बात। तो गाइस अभी हम घर आ गए हैं। बस यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हाफिज़।